दुनिया भर में कोरोना से जो तबाही का आलम रहा, उसने सरकार की आंखें तो खोली, साथ ही साथ लोगों में खौफ का माहौल भी पैदा कर दिया। आज भी हिमाचल में सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं की क्या हालत है, इसका जीता जागता उदाहरण है ये लाचार बेटी, जो सरकार से खुद की जिंदगी बचाने की गुहार लगा रही है। 22 वर्षीय अंबिका ठाकुर, जिसकी पढ़ाई कांगड़ा के पॉलिटेक्निकल से हुई और राजस्थान के एक निजी कंपनी में प्लेसमेंट हुआ, लेकिन वहां गलती से वे कोरोना से संक्रमित हो गई। इसका नतीजा ये रहा कि अंबिका की दोनों किडनियां फेल हो चुकी हैं। और तो और, अंबिका के पिता जो खुद दिहाड़ी मजदूर हैं, उसके बावजूद इलाज के लिए हिमाचल के बड़े बड़े सरकारी अस्पतालों के चक्कर काटने पड़े हैं। IGMC और टांडा जैसे अस्पताल में अब इन्हें इलाज नहीं मिला, तो ये लोग डायलिसिस के लिए कांगड़ा फोर्टिस में पहुंचे हैं। सर, सरकारी में तो पूछताछ ही नहीं है कोई भी। पहले मैं बिटिया को राजस्थान से लेके आया, बड़ी मुश्किल से हमीरपुर में एडमिट करवाया। हमीरपुर वालों ने कोई केयर नहीं करी, हमीरपुर वालों ने सिर्फ टांडा रेफर कर दिया। टांडा वालों ने सारी रात टेस्ट करवाते रहे, वो दूसरे दिन शाम को बोलते हैं कि जी आप अभी IGMC शिमला ले जाओ, कि बेटी की आपके बस 5-6 घंटे बचे हैं, वहाँ पे ले जाओ जी। तो ना तो उन्होंने कोई प्रॉपर गाइड किया, ना कोई इंजेक्शन दिया, ना कोई दवाई दी जी। उसके बाद हमें एमरजेंसी में यहाँ 40 में लेके आना पड़ा। सर, ये राजस्थान में ना जॉब करने गई थी, यहीं से प्लेसमेंट हुई थी कांगड़ा से ना, तो वहाँ जॉब करने गई, 2 महीने ठीक रही, फिर दिवाली पे घर भी आई थी तब भी ठीक थी, फिर दिवाली के बाद जब वापस गई ना, तो उसके बाद इसको पता नहीं, भी बोलते हैं कोरोना हो गया, फिर कोरोना के कारण इसकी किडनी इन्फेक्शन डैमेज बोल रहे हैं अभी तो। हम तो यही चाहते हैं कि चलो हमारी बच्ची जो है ठीक हो जाए भी, और सरकार हमारी ये हेल्प करे भी, चलो भी थोड़ा ठीक हो जाए, बस हम तो यही चाहते हैं कि ठीक हो जाए। अंबिका के कॉलेज के जूनियर और दोस्तों ने मदद की कोशिश की, कॉलेज टीचर से भी डोनेशन जमा कर परिवार को दी। अब अंबिका का डायलिसिस कांगड़ा फोर्टिस में चल रहा है, लेकिन खर्चा इतना ज्यादा है कि परिवार सरकार से मदद की गुहार लगाने को मजबूर है। हर रोज डायलिसिस में 4,000 से 5,000 रुपए का खर्च आता है। अपील करना चाहेंगे सरकार से कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इनका उपचार क्यों नहीं किया जा रहा है ढंग से, अगर फोर्टिस वाले कर सकते हैं तो टांडा वाले क्यों नहीं कर सकते, और हम स्टूडेंट होकर अपनी तरफ से इतनी सहायता कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट भी थोड़ा इनिशिएटिव ले, थोड़ी ये भी सहायता करें और इनकी मदद ज़रूर की जाए, इस पुण्य के कार्य में भागीदार बने, जो जैसा करता है वो वैसे भरता है। ये मेरी दीदी सीनियर थे अंबिका ठाकुर, तो इनकी किडनीज डैमेज हो चुकी हैं, तो इनका जो परिवार है वो काफ़ी मतलब मुश्किल दौर से गुजर रहा है, तो कृपया प्लीज़ सारे इनकी मदद करें, जैसे हम रोज आते हैं कुछ हेल्प करते, तो तुम लोग भी मतलब अपना सहयोग दें। सवाल ये है कि अगर कोरोना काल में सरकारी अस्पतालों ने अपनी व्यवस्थाएं नहीं सुधारी हैं, तो ये गरीब परिवार अपनी बेटी का इलाज करवाने के लिए आखिर किसके सामने हाथ फैलाए? क्या सरकार को इनकी मदद नहीं करनी चाहिए? क्या सरकार को इनकी मदद के लिए आगे आना चाहिए? ये सवाल जरूर सबके मन में होगा। मृत्युंजय पुरी, समाचार फर्स्ट।